नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हावड़ा से पटना के बीच चलने वाली हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और साथ रेलवे न्यूज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बात करिए हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस की, तो ट्रेन ऑपरेट करती है 12023 और 1204 इन रिवर्स डायरेक्शन। ये ट्रेन पटना जो पड़ता है बिहार में, वहाँ से हावड़ा जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, इसके बीच चलती है। ये 6 डे चलती है वीक के अंदर, संडे के दिन नहीं चलती क्योंकि शायद उस दिन हॉलीडे होता है। तो आई थिंक इस ट्रेन में मोस्टली काम करने वाले लोग ही चढ़ते होंगे, तो ये संडे के दिन नहीं चलती है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा देख रेख करी जाती है इस ट्रेन की। ऐसी कुछ हिस्ट्री में जाए दोस्तों, तो स्टार्ट हुई थी करीबन 2002 या 2003 के रेल बजट में। उस टाइम हमारे रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और उसी टाइम संपूर्ण क्रांति भी और विक्रमशिला एक्सप्रेस जो हुई थी, ये भी एक संपूर्ण क्रांति चलाई गई थी और विक्रमशिला को डिटैच किया गया था, एक नई ट्रेन बना दी गई थी मगध के हटा के, तो ये कुछ करा गया था। तो अगर इसकी अगर स्टॉप्स की बात की जाए तो करीबन 12 स्टॉप्स हैं। डिस्टेंस ट्रैवल की बात की जाए तो 532 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो भी 7 घंटे 40 मिनट में। क्लासेस की बात की जाए तो ICF रेक्स लगते हैं इसके अंदर, जिसमें से 3 थर्ड AC के चेयर कार का यूज़ होता है, 12 सेकेंड्स क्लास सीटिंग का यूज़ होता है और 2 सेकेंड जन चेयर कार कम गार्ड कार कोचिस का यूज़ होता है। मतलब उसमें गार्ड कार का भी कोचिस होता है, गार्ड के लिए भी जगह होती है और साथ में सेकेंड सीटर कोच भी है। ऑपरेटिंग स्पीड की बात की जाए तो 67 kmph मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है और 110 kmph मैक्सिमम स्पीड है। दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो मुझे कुछ ऐसा न्यूज़ आया कि इसमें LHB रेक्स इसमें शेयर होंगे थोड़े टाइम बाद, तो देखते हैं कब तक। वैसे तो जनशताब्दी में तो ICF ही यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर इसके दोस्तों रूट्स या हॉल्ट की बात की जाए तो पटना जंक्शन से निकल के पटना साहिब, मोकामा, लक्कीसराय जंक्शन, झाझा, चित्तरंजन, आसनसोल जंक्शन होते हुए हावड़ा जंक्शन पहुँचती है। दोस्तों, ये अपने साथ एक दूसरी ट्रेन के भी रेक शेयर करती है जो कि है पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन ऑपरेट करती है 12365 और 12366 इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर इसके अगर ट्रैक्शन की बात की जाए तो हावड़ा शेड का V4 का लोकोमोटिव यूज़ होता है फॉर होल जर्नी के लिए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिफाइड रूट है। और ओकेजनली इसके अंदर, मतलब कभी कभार जब अवेलेबल V4 नहीं है, तब V7 का लोकोमोटिव यूज़ हो जाता है। टाइमिंग्स की बात की जाए तो 12024 जो है पटना जंक्शन से हर दिन, मतलब एक्सेप्ट संडे के दिन छोड़ के, सुबह 5:35 पर निकलती है और सेम डे हावड़ा 1:25 पर पहुंच जाती है। 12023 जो है हावड़ा जंक्शन से हर दिन एक्सेप्ट संडे दिन में 2:05 पर निकलती है और रात में 10:45 पर पटना जंक्शन पहुंच जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको जनशताब्दी के बारे में कुछ भी जानना हो तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना के रखी हुई है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि जनशताब्दी और शताब्दी में डिफरेंस क्या है। अगर दोस्तों कुछ ट्रिविया की बात की जाए, मतलब से कुछ फैक्ट्स की, तो दोस्तों इस रूट की ना ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रेन मानी जाती है, जिसको मतलब बाकी ट्रेनों से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस ट्रेन को। और इसमें जो है मैक्सिमम लोग ऑफिस वाले ही इसमें सफ़र करते हैं अपने मतलब काम के जाने के लिए। और दोस्तों, ये जो है ट्रेन फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है इस रूट की इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी कि स्पीड पे, टाइम पे ये फास्टेस्ट मानी जाती है। और टाइम कैसे, अगर इसी रूट पे बात की जाए हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो मतलब वीक में एक दिन चलती है वाया पटना होते हुए निकलती है हावड़ा के लिए, तो उस दिन जो ट्रेन निकलती है तो करीबन पटना से हावड़ा पहुंचने में लगते हैं 7 घंटे 20 मिनट और सेम ये डिस्टेंस कवर करती है जनशताब्दी पटना हावड़ा, वो पटना हावड़ा जनशताब्दी जो कवर करती है वो करती है 7 घंटे 40 मिनट में, तो करीबन 20 मिनट के फ़र्क दोनों में है। तो हिसाब से इसको सेकेंड फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ टाइम्स में। तो ये कुछ इसके ट्रिविया थे और कुछ इसके जो फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो